देखो भाई, जब आपको पता चलता है कि जैक स्नाइडर की पिक्चर आई है तो ऑटोमेटिक आपकी जो एक्साइटमेंट है उस माल को देखने की बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी ये बंदा आता है जी फार सिनेमा आपको प्रेजेंट करता है। सेम एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने रिबल मून को देखना शुरू किया था, जो कि आज ही मॉर्निंग में 8:30 बजे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। एंड जब मैंने नेटफ्लिक्स को ओपन किया एंड इस पिक्चर को देखना शुरू किया तो जो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट थे वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर गए। उम्मीद तो जरूर आई कि हाँ कुछ एपिक लेवल की चीजें देखने को जरूर मिलेंगी, लेकिन उसके बाद भाई जो मैंने जी फार एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी, पिक्चर ऐसा कुछ टर्न लेती है जिसकी वजह से जी फार एक्सपेक्टेशन को साइड में रखो बट खुद की जीप फट गई। मतलब मैं क्या बोलू, बिलीव नहीं हो रहा कि चलो शुरू से बताता हूँ आप सभी को। तो देखो भाई, जैक स्नाइडर की एपिक साईफाई पिक्चर रिबल मून का जो पार्ट वन है वो फाइनली आ चुका है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, एंड इसका जो पार्ट टू है वो आपको अप्रैल में नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। मूवी में वायलेंस है, किस वगैरह है, तो अगर आप फैमिली के साथ देखने जा रहे हो तो इन सारी चीजों को माइंड में ध्यान रखना। एंड हाँ, ये पिक्चर आपको हिंदी डब में मिल जाएगी एंड इसकी हिंदी डब काफी अच्छी की गई। दूसरी चीज, इस पिक्चर की मैं अगर आपको कहानी बताऊं, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा, ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना कि क्या आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टाइप की बहुत सारी मूवीज देख रखी है, लाइक स्टार वॉर्स हुआ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हुआ। क्यों पूछ रहा हूं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहना। एंड हां, ईमानदारी के साथ कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि क्या आपने देखी है या फिर नहीं। अगर कहानी की बात करें बिना स्पॉइल किए मैं आपको अगर इसका आइडिया दूं तो देखो, कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब एक गांव है जिसमें भाई कुछ लोग रह रहे हैं, सरदार है एंड कोई एक बाहर से लड़की आई है जो कि उसी गांव में रह रही है। एक दिन बड़े बड़े शिप लेकर के कुछ लोग उस गांव पर आ जाते हैं। उनका मकसद सिंपल सा है कि भाई वो लोग कुछ खाना ढूंढ रहे हैं एंड कुछ रिबेलियन है जिनको वो तलाश कर रहे हैं, एंड जो लोग आए वो भाई मदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अब मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उसको करके स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कहानी बताया जाता है कि मदरलैंड में क्या हुआ था, उनके राजा के साथ क्या हुआ, उनके रानी के साथ, तो आप सुन करके जो इस चीज को देखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब वो लोग आते हैं उस गांव पर अटैक करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वहां पर जो एक मिस्टीरियस गर्ल रहती है वो निकल पड़ती है एक ऐसी टीम बनाने के लिए जो कि मदरलैंड के जो सिपाही है उनसे सामना कर सके, लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। देन जो अपनी एक्ट्रेस है वो क्या क्या करेगी, किस किस ग्रह पर जाएगी, कौन कौन से लोग उसके टीम में शामिल होंगे एंड वो लोग कैसे मदरलैंड के जो सिपाही उनका सामना करेंगे, ये सब जानने के लिए आपको इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था कि क्या आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या इस टाइप की टीम पर बनी हुई मूवीज वेब सीरीज देखी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आप एक प्रो ऑडियंस की कैटेगरी में आ गए हो एंड अगर आप इस पिक्चर को देखने का प्लान बना रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना। डेफिनेटली जैक भैया ने एक काफी अच्छी टाइम पास साईफाई पिक्चर बनाई है बट उनके लेवल के अकॉर्डिंग ये एपिक वाला आपको मजा नहीं दे पाती। इसको देख करके आप एंजॉय कर दो लेकिन अंदर से जो आपकी भूख है सेटिस्फेक्शन वाली पूरी नहीं होती भाई। एंड उसके दो तीन प्रीटी सिंपल रीजन, पहली चीज की कहानी जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं है, सेम ओल्ड फार्मूला को यूज करते हुए इस पिक्चर में नए लोकेशन एंड नई सेटिंग के साथ ढाल दी गई है। दूसरी चीज, जो पिक्चर की प्रेजेंटेशन वो आपका एक कनेक्शन बिल्डअप करने में फेल होती है, फटाफट इवेंट होते हैं जिसके बाद जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। बाकी सबको हटा करके मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आप जैक स्नाइडर के फैन हो, आप एक टाइम पास साईफाई फिल्म देखना चाहते हो जिसमें आपको एक्शन एंड दूसरी दुनियाओं के दर्शन हो लाइक स्टार वॉर्स, डेफिनेटली आप इस पिक्चर को टाइम पास के लिए एक बार देख सकते हो। भाई पिक्चर में कुछ एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं, उसमें जो स्लोमो शॉट वगैरह देखने को मिलेगा या फिर पिक्चर की जो सिनेमेटोग्राफी वगैरह देखने को मिलती है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। इस पिक्चर को अगर आप टाइम पास के नजरिए से देखोगे तो डेफिनेटली ये पिक्चर आपको मजा दे देगी। एकदम जैक भैया की पिक्चर, आपको एपिक लेवल वाला मजा चाहिए, नशा चाहिए, तो इसका पार्ट टू आने दो, क्योंकि अभी पार्ट वन में कहानी का बिल्डअप ही देखने को मिला है। मैं भी हो सकता है कि पार्ट टू में ये बिल्डअप है पूरी तरीके से जाकर एक्सप्लोर कर दे चीजों, तो अगर आप अभी वेट कर सकते हो तो पार्ट टू आने दो जो कि अप्रैल में ही आ जाएगा, एक साथ दोनों देखोगे तो शायद ज्यादा मजा है। बाकी मेरी बात का जैसा मैंने बताया कि मैंने एपिक लेवल की एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी क्योंकि जैक स्नाइडर की पिक्चर थी, तो वहां पर इस पिक्चर ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अगर मैं इसको एक टाइम पास के नजरिए से देखता हूं, एक न्यूट्रल ऑडियंस के माइंडसेट से, तो इस पिक्चर में जो एक्शन जो एडवेंचर देखने को मिला उसने कहीं ना कहीं मुझे मजा जरूर दिया, इसलिए मैं इस पिक्चर को ओवरऑल जज करके रेट करूंगा 7/10 स्टार। तो अगर आपने देख लिया है तो पार्ट वन आपको रिबल मून का कैसा लगा कमेंट में लिखकर बता सकते हो। मेरी वीडियो चलेगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।